मसलिया प्रखंड अंतर्गत सापचाला पंचायत भवन के सभागार में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के बैनर तले नवनियुक्त पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह का आयोजन काउंसिल के प्रखंड अध्यक्ष राजीव दास की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कल्याण मंत्री सह भाजपा नेत्री डॉक्टर लुईस मरांडी, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष महेश चंद्रगण मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री श्रीमती मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, झामुमो सरकार चुनावी दौरे में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन अब तक नहीं दे सका। जनता को फ्री बिजली देने की बात कही थी लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री बिजली की जगह गरीब उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट कर कैश दिया जा रहा है। ये सरकार जनता के हित में कार्य न कर अपने हित में कार्य कर रही है। वहीं भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष महेश चंद्रगण ने कहा, मजदूरों पर लगातार हो रही शोषण झारखंड में बाल मजदूरी को रोकने जैसे अहम मुद्दों पर लड़ेगी। घोषित होता है मजदूर का शोषण न हो, असंगठित मजदूर जो है तो उसी निमित्त संगठन स्थापना है। संगठन के लोगों को जब जानकारी होगा मजदूरों को जो हमारा संगठन जो है मजदूर करने वाला है वो आएंगे संगठन के लोग और उसका जो समस्या का समाधान हम लोग निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।